नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित किया। सोमनाथ मंदिर में हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। नया सर्किट हाउस 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से निर्मित किया गया है और ये सोमनाथ मंदिर के पास स्थित है। निर्माण इस तरह से किया गया है कि हर कमरे से समुद्र का दृश्य दिखाई देता है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर गुजरात सरकार को, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट को और आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, ये जब सर्किट हाउस की कमी एक है, अतिथि गृह वो भी दूर, तो बाहर से आने वालों को ठहराने के लिए मंदिर ट्रस्ट पर ही काफी दबाव रहता था। अब ये सर्किट हाउस बनने के बाद, एक स्वतंत्र व्यवस्था बनने के बाद, और वो भी मंदिर के से कोई ज्यादा दूर नहीं है, और उसके कारण मंदिर पर जो दबाव रहता था वो भी कम हो गया। अब वो अपने मंदिर के काम में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस भवन को इस तरह बनाया गया है, यहां रुकने वाले व्यक्तियों को सी व्यू मिले, समंदर दर्शन होते रहे, यानी लोग जब यहां शांति से अपने कमरे में बैठेंगे तो उन्हें समुद्र की लहरें भी दिखेगी और सोमनाथ का शिखर भी नजर आएगा। समंदर की लहरों में, सोमनाथ के शिखर में उन्हें समय के थपेड़ों को चीरकर गौरवान्वित खड़ी भारत की चेतना भी दिखाई देगी। इन बढ़ती हुई सुविधाओं की वजह से भविष्य में दीव हो, गिर हो, द्वारिका हो, बेट द्वारिका हो, इस पूरे क्षेत्र में जो भी यात्री आएंगे, सोमनाथ एक प्रकार से इस पूरे टूरिज्म सेक्टर के क्षेत्र का एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र बन जाएगा। साथियों, जब हम अपनी सभ्यता की चुनौतियों से भरी यात्रा पर नजर डालते हैं तो अंदाज होता है कि भारत सैकड़ों वर्षों की गुलामी में किन हालातों से गुजरा है, जिन परिस्थितियों में सोमनाथ मंदिर को तबाह किया गया, और फिर जिन परिस्थितियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, वो दोनों ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में हम देश के अतीत से जो सीखना चाहते हैं, सोमनाथ जैसे आस्था और संस्कृति के स्थल उसके अहम केंद्र हैं। साथियों, अलग अलग राज्यों से, देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने हर साल करीब करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। ये श्रद्धालु जब यहां से वापस जाते हैं तो अपने साथ कई नए अनुभव, कई नए विचार, एक नई सोच लेकर के जाते हैं। इसलिए एक यात्रा जितनी महत्वपूर्ण होती है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका अनुभव भी होता है। तीर्थ यात्रा में तो खासकर हमारी इच्छा होती है कि हमारा मन भगवान में ही लगा रहे, यात्रा से जुड़ी अन्य परेशानियों में
हमें जूझना न पड़े, उलझना न पड़े। सरकार और संस्थाओं के प्रयासों ने कैसे कई तीर्थों को संवारा है। सोमनाथ मंदिर इसका भी जीवंत उदाहरण है। आज यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रुकने की अच्छी व्यवस्था हो रही है, सड़कों और ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ रही है, यहां बेहतर प्रोमेनाड विकसित किया गया है, पार्किंग सुविधा बनाई गई है, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, साफ सफाई के लिए वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक व्यवस्था भी की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की वोटिंग से पहले बीजेपी का दामन थामने वाली समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव की एक तस्वीर तेजी के साथ वायरल हो रही है। इस तस्वीर में अपर्णा अपने ससुर मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद ले रही हैं। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि नेताजी ने अपर्णा जी को समझाने की बहुत कोशिश की थी। साल 2017 के पिछले विधानसभा चुनावों में लखनऊ कैंट से बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी के हाथों पराजय का सामना कर चुकी अपर्णा यादव के भगवा दल में शामिल होने से पार्टी को सपा के आंतरिक मतभेदों के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को घेरने का एक मुद्दा जरूर मिल गया है। यूपी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दल वादों की झड़ी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में पुरानी पेंशन लागू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही अखिलेश ने कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा और यश भारती सम्मान दोबारा शुरू करने का भी ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन है, जो परसेप्शन समाजवादी पार्टी का है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री शामिल हुए हैं, जिनके पास व्यापक समर्थन है, जनाधार है, जो आपकी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कितना बड़ा जनसमर्थन उनके पास, उनके पास जन समर्थन है, उनके साथ लोग हैं, या मंत्री दारा सिंह चौहान शामिल हुए हैं, उनके पास भी समर्थन है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दलों को जोड़ा है, तो जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी हार गई। हम लोग आगे हैं, हम अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं कि आखिरकार जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं तो जनता से हम क्या कहें। आपके ही सामने न जाने कितने बिंदु हम उठा चुके हैं। 300 यूनिट बिजली घरेलू माफ होगी, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है। रुड़की की पिरान कलियर विधानसभा चुनाव का दंगल जमने के साथ ही जुबानी जंग भी तेज हो गई है। दरगाह साबिर पाक में आस्था के दावे पर आप प्रत्याशी शादब आलम ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कलियर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। घोषणा के बावजूद पिरान कलियर को पांचवा धाम घोषित न कराने पर भी शादाब ने पूर्व सीएम को घेर रखा है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कलियर विधानसभा की जनता को वर्चुअल संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने साबिर पाक के प्रति अपनी गहरी आस्था जताई। इस पर आप प्रत्याशी शादब आलम ने कटाक्ष करते हुए हरीश रावत को कलियर विधानसभा से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। देखिए, विधायक जी और जो उनके पूर्व सीएम साहब हैं माननीय हरीश रावत जी, उनका ये कहना है कि हमने बहुत विकास कराया और पीरान कलियर से बहुत आस्था है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वाकई में सीएम साहब को, जो पूर्व सीएम है हरीश रावत जी, अगर उनको इतनी ही आस्था है, तो एक बार अपने विधायक जी द्वारा किए गए कार्यों का आकर निरीक्षण करें और यहाँ पे देखें कितनी गंदगी और कितनी परेशानियों में लोग बाग जिंदगी बिता रहे हैं। आप यहाँ पे हालात आके देखिए, आप रोडों के हालात देखिए, आप यहाँ पे कारोबार के हालात देखिए, आप यहाँ पे बेरोजगारी के हालात देखिए। सिद्धार्थनगर थाने में मानव अधिकार का बड़ा बोर्ड इसलिए लगाया गया है कि पुलिस जनता के साथ मानवीय व्यवहार ना करे, शिकायतकर्ताओं की समस्या सुनकर उसका निस्तारण कानून के दायरे में रहकर करे, लेकिन पुलिस अपनी वर्दी की धौंस दिखाने से पीछे नहीं रहती।
इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी युवक को लात घूंसों से जमकर पीट रहा है। वीडियो कुछ महीने पहले का बताया जा रहा है, जिसमें पीटने वाले भवानीगंज थाने के हेड कांस्टेबल हैं और उनकी तैनाती थाने में पिछले 4 सालों से की जा चुकी है। पीलीभीत में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस लगातार अपने काम को अंजाम दे रही थी, जिसके चलते शांतिपूर्वक विधानसभा चुनाव को कराया जा सके, इसी कड़ी में पीलीभीत के सदर कोतवाली पुलिस ने जिले के शातिर नामी अपराधी आकाश मेठिया को एक तमंचा और कारतूस के साथ धर दबोचा। आपको बता दें कि आकाश मेठिया एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके ऊपर जिले के कई थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूल संचालन को लेकर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल कुमार श्रीवास्तव ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को पत्र भेजा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को बच्चों के हित में 24 जनवरी से खोले जाने का अनुरोध किया गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग का साझा अभियान और तेज हो गया है, जिसके तहत बक्सा थाना पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम ने धौकलगंज में दबिश देकर मिलावटी शराब के कारोबार के अड्डे का राजफाश किया। गैरकानूनी धंधे में लिप्त ससुर और बहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बेटा और गिरोह का सरगना फरार हो गया। मौके पर पुलिस ने 21 पेटी मिलावटी देसी शराब बरामद की। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक जौनपुर के नेतृत्व में जनपद जौनपुर में चुनाव से संबंधित जो तैयारियां हो रही हैं और कार्यवाही हो रही है, उसी क्रम में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है और थाना प्रभारी बक्सा इनकी टीम के साथ और आबकारी विभाग को साथ में लेकर एक इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस के आधार पर एक गांव है धौकलगंज सुजियामऊ, वहाँ से मिलावटी अपमिश्रित शराब की एक बड़ी खेप बरामद हुई है, जिसमें कुल 21 पेटियाँ बरामद हुई हैं, जिसमें प्रत्येक पेटी में 45 सीसियाँ हैं और प्रत्येक सीसी में 200 ml का वॉल्यूम है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का समर्थन देने वाले एतिहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा खान की बहू निदा खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद हैं। उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर पीएम मोदी की तारीफ की और यहां तक कह दिया कि वो बीजेपी सरकार के चलते ही जिंदा हैं। निदा खान ने कहा कि मोदी राज में देश की महिलाएं सुरक्षित हुई हैं। कांग्रेस के नेता लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लगा रहे हैं, लेकिन घर में महिलाओं को उत्पीड़न करते हैं। मौलाना तौकीर पर आरोप लगाते हुए निदा ने कहा कि जो आदमी अपने घर के मामले नहीं सुलझा सका, वो समाज का भला आखिर क्या करेगा। जब मैं उसके घर गई तो मेरे साथ नाइंसाफी हुई। आज मौलाना तौकीर प्रियंका गांधी के साथ लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लगा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने घर में लड़कियों का उत्पीड़न करते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को उठवा लेते हैं। मेरी शादी 2015 में हुई थी, 18 फरवरी को। शादी जिनसे हुई थी वो शिरान रजा खां, उनका नाम था, दरगाह आला हजरत में नबीरे आला हजरत के नाम से जाने जाते हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि आला हजरत खानदान का कितना नाम है, मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। इसी वजह से मेरी भी शादी हुई कि खानदान उनका काफ़ी अच्छा है तो शादी कर देनी चाहिए। शादी के थोड़े ही दिन के बाद मेरे एग्ज़ाम्स पड़े एमकॉम के, तो मैं एग्ज़ाम देने गई तो उसके बाद बीच एग्ज़ाम में से वो मुझे ले आए और उसके बाद काफ़ी लोगों में चर्चा भी हुई इस बारे में और उन्होंने खुद ही कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की कोई भी महिला पढ़े। और तब हमने इनका काफ़ी विरोध भी किया कि ऐसा क्या है कि आप महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो इससे ही उनकी सोच दर्शाते हैं कि उनकी सोच कैसी है महिलाओं के प्रति। बलिया में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां 2 दिन पहले वैक्सीनेशन टीम के साथ झड़प करने वाले नाविक युवक विपिन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करके धारा 151 में जेल भेज दिया। दरअसल 2 दिन पहले कोविड वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य टीम के साथ नूरा कुश्ती का वीडियो वायरल हुआ था। ये पूरा मामला रेवती थाना क्षेत्र के सरयू नदी के पास का बताया जा रहा है। ये विकास खंड रेवती में एक गांव पंचायत हड़िया कला का मामला है, जो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया है और वो व्यक्ति और दूसरा जो है सरयू घाघरा नगरी नदी के किनारे एक नाविक का केस है जो अपना नाविक नाव चलाता है और दोनों मामले दोनों टीकाकरण अभियान के दौरान प्रेरित करने वाली टीम के द्वारा किए गए प्रयासों के दौरान ऐसा हुआ है। टीकाकरण के बारे में वहाँ पर जो पेड़ पर चढ़ा हुआ व्यक्ति है वो टीका के लिए पूरी तरीके से
पहले तैयार नहीं था, इसलिए वो भाग पेड़ पे चढ़ा हुआ था। और इसके बाद हम लोगों ने उतार के उसको पेड़ से उतारा, आनाकानी करने के बाद उतरा और उसने टीका लेने के लिए टीका उसको वहीं लगा दिया गया। और उसने कहा कि सभी टीका ले लेंगे, चूंकि लाइन भी लगी हुई थी, तो उसने कहा कि मैं भी टीका ले लूंगा और हमारी टीम ने उसको टीका लगा दिया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।